के पूर्व सभापति हामिद अंसारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस बेहद नाराज है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने राज्यसभा के मौजूदा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सभी संसदीय मानदंडों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने हामिद अंसारी को निशाना बनाया है। राजस्थान में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, तो वहीं अब इसको लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की भजन लाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने टोंक में कहा, सरकार में आपसी खिंचाव है, कई स्तर पर चीज हो रही है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और राज्य में विकास का काम ठप पड़ा है। मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय अब उज्जैन होगा। सिंहस्थ से पहले मोहन यादव सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा। अब सिंहस्थ के फैसले भी भोपाल नहीं बल्कि उज्जैन से लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया था कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग उज्जैन से संचालित होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने नितेश राणे समेत बीजेपी नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रावधान लागू नहीं करने का फैसला किया है। पुलिस ने कहा कि इन नेताओं ने अपने भाषणों में रोहिंगा और बांग्लादेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो भारतीयों या यहां के किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। हरियाणा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोहनलाल बरदौली को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सीएम नायब सिंह सैनी के ही पास थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना नया पैतरा चला है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से राहत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राव रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले सोमवार को सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दलाई लामा के खिलाफ एक 7 वर्षीय लड़के से छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और आपके वरिष्ठ नेता प्रदीप छाबड़ा का आज निधन हो गया। छाबड़ा के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनके भतीजे पुनीत छाबड़ा ने उनके निधन के बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप छाबड़ा का पीलिया का इलाज चल रहा था और सुबह उन्होंने खराब स्वास्थ्य को लेकर शिकायत की थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया। जवानों के बलिदान से देवभूमि में शोक की लहर है। शाम को बलिदानियों के पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचाए गए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बलिदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सेना के अधिकारियों ने बलिदानियों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि दी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वीआरएस लेकर रिटायर होने वाले आईएएस मनीष कुमार वर्मा ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। अब जेडीयू में उन्हें आरसीपी सिंह के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो भी सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं और कुर्मी समुदाय से हैं।